तो अभी हम लोग सबसे ऊंची चोटी मतलब विशाखा के सबसे हाइट पॉइंट पे हम लोग बैठे हुए हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं कैलाश गिरी, जहाँ पे शिव और पार्वती माँ का स्टैचू बना हुआ है। तो बेसिकली ये जो है विशाखा समुद्री तट के किनारे बसा है, जैसे कि ये शहर। तो फिर ये समुद्र कि नौ मतलब समुद्र में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, तो यहाँ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ऐसे यहाँ पे आता है, और यहाँ आने के बाद वो इन्फॉर्मेशन मछुआरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरीके का जो इन्फॉर्मेटिव सेंटर जो होता है, वो सबसे हाई पॉइंट पे बनाया जाता है। तो ये है कैलाश गिरी, आगे आप लोग वीडियो में देखिए। तो हम लोग यहाँ मछली यार्ड से हो चुके हैं, मतलब वहाँ विजिट कर लिए। उसके बाद हम लोग जो गाड़ी है वो निकल पड़ी है कैलाश गिरी की ओर। तो ये कुछ रास्तों का नज़ारा कुछ इस तरीके से है शहर का, विशाखा के शहर का। तो जो शहर है विशाखा, वो समुद्री तट पर बसा हुआ है। तो आप जैसे इस रास्ते में देख रहे हैं कि जो दिख रहा है वो कैलाश गिरी दिख रहा था दूर से ही हमें। तो फिर बाएं साइड में कैलाश गिरी पर्वत था, और इसी के राइट साइड पे जो था वो पूरे जलमंडल था, मतलब समुद्र का एरिया था उधर। तो अब हम लोग जा ही रहे हैं कैलाश गिरी। तो बेसिकली मैंने कैलाश गिरी पे ज़्यादा सूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत पूरे पसीना पसीना हो चुके थे हम लोग। तो उसके बाद हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए वहाँ पे, क्योंकि सर वहाँ हम लोग को एक घंटे का ही टाइम दे रखे थे कि आप लोग एक घंटे पे पूरा विजिट कर लो पूरा कैंपस। तो जितना हो सका उतना मैंने कैप्चर किया इस वीडियो में। आई होप आप सबको मेरा ये अच्छा लगेगा जो भी है ये क्लिप्स। तो अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे कैलाश गिरी पर। तो ये कुछ एंट्रांस का कुछ इस तरीके का है एंट्रांस। उसके बाद यहाँ जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो यहाँ तो ये विशाखा का कैलाश गिरी पर्वत है। तो यहाँ पे बेसिकली ये शहर से बहुत ऊंची चोटी पे बना हुआ है, और यहाँ से मछुआरों को मतलब समुद्री तह पे कुछ भी होता है तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँचता है, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन फिर मछुआरों तक रिवील किया जाता है। तो ऐसे कुछ हाइट प्लेस पे ही ऐसे बेसिकली यहाँ पे जो है ये एक स्टैचू है यहाँ पे सेंटर का, ये है एक देखने लायक में यहाँ पे इन दोनों का जो है महादेव और शिव और पार्वती जी का यहाँ पे स्टैचू है। और इसके और एक इससे भी मतलब आगे जाने से एक शिवलिंग है, जो बहुत या तो आप ट्रॉली पे जा सकते हो या फिर आप कोई ऑटो वगैरह वहाँ यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे ऑटो भी चलती है वहाँ मंदिर जाने के लिए, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि एक घंटे पे वो दूर मतलब दूर पड़ता हम लोग के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ नहीं गए, यहीं सामने सामने वाला चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर किए। और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी था, व्यू पॉइंट का मैंने कैप्चर लिया है, तो आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो।